कम से कम बैलेट पेपर की धांधली पता तो चली, दिख तो गई, ईवीएम से होती तो हम कैसे देख लेते। तो बैलेट पेपर में यह संभावना होती है कि हम गलतियों को रोक सकते हैं, गलतियों को पकड़ सकते हैं। अब बैलेट, लेकिन ईवीएम में आप क्या कर सकते हैं? अभी जो डेमो हम लोगों ने दिखाया, उसमें दिखाया कि वोट दे रहे हैं हम लोग हाथी को और वोट जो जा रहा है कमल को, तो उसको आप कैसे रोकेंगे? उसको तो नहीं रोक सकते। ये तो आपकी पर्सनल मशीन है ना। मैं तो वही, मैं वही एक मॉडल के तौर पर वही समझा रहा हूँ। अगर हम मैनिपुलेट कर सकते हैं मशीन बनाकर, खुद अपने स्तर पर मैनिपुलेट करके दिखा सकते हैं कि ऐसे मैनिपुलेशन हो सकता है, तो आप समझिए कि इस दुनिया की सबसे बड़ी सरकारों में भारत सरकार आती है। क्या उसके पास संसाधन की कमी है सरकार? ईवीएम की लड़ाई किसी ओम सुधा की लड़ाई नहीं है। ईवीएम हटाने की लड़ाई पूरे देश को बचाने की लड़ाई है, संविधान बचाने की लड़ाई है। ईवीएम के खिलाफ सब मिलकर लड़ रहे हैं ना। एक ही रास्ता है, जनता की ताकत और राजनीतिक दल की ताकत। हम लोग उसी के लिए कोशिश कर रहे हैं कि जनता ईवीएम के खिलाफ है, आ भी रही है। हमने देखा पिछले 31 जनवरी को जब बॉम्ब सेफ का था, कितने लोग आए। इस बार तो तमाम संगठनों को हमने साथ बुलाया है, बॉम्ब सेफ भी साथ हैं, परिसंघ भी साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता भी आ रहे हैं, दीपांकर भट्टाचार्य ने भी सहमति दी है CPIML के, सीताराम येचुरी से बात हुई है। महापुरुषों ने अपनी जिंदगी की शहादत दी, तब जाकर हमें वोट देने की आज़ादी हासिल हुई है। वोट देने की आज़ादी हासिल हुई है तो कम से कम एक नागरिक के तौर पर हमें इतना तो जानने का हक है कि हमने जिसको वोट दिया, हम डिटरमाइंड हो सके कि हमें, हमने जिस प्रत्याशी को भी वोट दिया है, वोट उसको मिला है कि नहीं। तो इस बात से दिक्कत क्यों है? और सबसे दिलचस्प ये है कि ईवीएम के समर्थन में सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। भारतीय जन जहाँ कहीं भी ईवीएम की धांधली की बात चलती है, जहाँ कहीं भी अखबारों में खबर चलती है ईवीएम की धांधली को लेकर, वहाँ भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिलता दिखता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पे तो रोक लगा दिया, ईवीएम को लेकर जो कुछ बड़ा निर्णय नहीं हो पा रहा है। अब देखिए क्या है, ईवीएम की लड़ाई राजनीतिक लड़ाई नहीं बनी है। इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर जो आया है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, मुझे लगता है कि पिछले 10 साल में सरकार के खिलाफ कोई भी फैसला सुप्रीम कोर्ट का छोटी टिप्पणी भी नहीं आई। पहली बार हम लोग सरकार सुप्रीम कोर्ट को इस नज़रिए, सम्मानजनक नज़रिए से इस मामले में देख रहे हैं। नहीं तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रोल है, वो रोल आप देख लीजिए, वो भारतीय जनता पार्टी को जिताने वाला रोल। नहीं बिल्कुल, ये कुछ एक जो है घटनाएं हैं, वो तो समझिए कि CCTV कैमरे की वजह से हो गया, क्लियर हो गया, चीज़ें आ गई, सुप्रीम कोर्ट सामने आ गया। नहीं तो जो भूमिका है तमाम संवैधानिक संगठनों की, उस भूमिका से देश की जनता तो कम से कम नहीं संतुष्ट है। ईवीएम के मसले पर भी चाहिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को कि वो कड़ा एक्शन ले, ईवीएम को बैन कराए। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ईवीएम के मसले पर लड़ाई को है, इस लड़ाई को राजनीतिक लड़ाई बनाई जाए। इस लड़ाई में भारत का चक्कर लगा रहे हैं लेकिन ईवीएम पर नहीं बोल रही हूँ। नहीं, इंडिया गठबंधन में तो पिछले दिनों जो है राहुल गांधी ने उसमें बोला ही है, राहुल इंडिया गठबंधन में चर्चा हुई है, ईवीएम पर गंभीर चर्चा हुई है पिछला वाला जो मीटिंग हुआ था। देखिए अभी भी डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है, ईवीएम में गड़बड़ी जो है बिल्कुल संभव है, और ईवीएम में खूब गड़बड़ी हो रही है। ईवीएम जो है बिल्कुल ही विश्वसनीय नहीं है, ईवीएम पे बिल्कुल यकीन नहीं किया जा सकता है। हम लोगों ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें आज जो है हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ईवीएम की गड़बड़ी से जुड़े 10 सवाल पूछे, कि 10 सवाल का जवाब जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 10 में से 5 सवाल का जवाब भी दे दे। तो हम लोग लगातार ईवीएम के खिलाफ पिछले कई सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं ईवीएम के खिलाफ, और देश भर के कई संगठन लड़ रहे हैं, हम अकेले नहीं। लेकिन दिक्कत यह है कि ईवीएम का सवाल आज तक राजनीतिक सवाल नहीं बन पाया है। इस बार हम कोशिश कर रहे हैं कि ईवीएम का सवाल राजनीतिक सवाल बन जाए। इसलिए आने वाले 22 फरवरी को यानी परसों आज से हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर पे एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं ईवीएम को लेकर, और जिसमें कि देश भर के तमाम राजनीतिक दल, चाहे CPIML के दीपांकर भट्टाचार्य हो, उनसे बात हुई, सीताराम येचुरी जी से बात हुई,
और बॉम्ब से जो है वामन मिश्राम लगातार जो है जुड़े हुए हैं, तो 22 को जो है महमूद प्राचा जो ईवीएम की लड़ाई लड़ रहे हैं वो भी रहेंगे, और गौतम जी जो एक्स मिनिस्टर हैं दिल्ली सरकार के, राजेंद्र पाल गौतम, वो रहेंगे। तो देश भर के हमने तमाम राजनीतिक दलों और तमाम संगठनों को ईवीएम के खिलाफ हम लोग सब मिल के इस बार प्रदर्शन कर रहे हैं। आने वाला जो है 22 फरवरी जो है बहुत महत्वपूर्ण दिन है, पूरे देश के लोगों से जो भी लोग देख रहे हैं अभी इस चैनल को, मैं उनसे अपील करता हूं, अगर आप दिल्ली हैं, दिल्ली के आसपास हैं, तो आने वाले 22 फरवरी को दिल्ली आइए, जंतर मंतर आइए। ईवीएम के खिलाफ यह जो लड़ाई है किसी राजनीतिक दल की लड़ाई नहीं है, यह देश बचाने की लड़ाई है, संविधान बचाने की लड़ाई है, अपना आत्मसम्मान बचाने की लड़ाई है, सबको जुड़ना पड़ेगा। हमारे पटेल जी जो साथी हैं गुजरात से आए हैं, वो ईवीएम का मॉडल लेकर उन्होंने आज के प्रेस क्लब में एक डेमो भी किया, ताकि लोग जो ये अवधारणा बनाते हैं कहते हैं ईवीएम हैक नहीं हो सकता, वो दिखाया जा सके कि किस तरह मैनिपुलेट किया जा सकता है। इस तरह ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही मैनिपुलेट होता होगा, मतलब मैनिपुलेट किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक डेमो के माध्यम से हमने यह दिखाने का भी काम किया है, और आज की तारीख में जब धरती पर से जो है चंद्रमा पर रोवर को जो है कंट्रोल किया जाता है, रोवर ख़राब होता है तो बोल दिया जाता है कि धरती पर से साइंटिस्ट कहते हैं हम रोवर को ठीक करें, तो धरती से रोवर कंट्रोल हो सकता है चंद्रमा पे, लेकिन ईवीएम हैक नहीं किया जा सकता, यह बात मानने लायक नहीं है। इसलिए देश भर के तमाम संविधान प्रेमी लोग, लोकतंत्र पसंद लोग, और मैं तो ये भी कहूँगा कि जिस विचारधारा की अभी सत्ता है उस विचारधारा के लोगों को भी कम से कम ईवीएम के सवाल पर आज एक मंच पर आ जाना चाहिए, क्योंकि ईवीएम सिर्फ किसी को चुनाव जिताने या किसी राजनीतिक दल को चुनाव हराने के लिए ईवीएम नहीं है। ईवीएम समझिए कि ये वोट देने की आज़ादी हमारे लोगों, हमारे देश में शहीदों ने अपनी शहादत से हासिल की है, इसके लिए भगत सिंह ने अपनी शहादत दी है, तब हमको लोकतंत्र मिला है, तब हमको वोट देने की ताकत मिली है, इसके लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने बच्चों की कुर्बानी दी है, इसके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है जेल में अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा बिताया है, अशफाक उल्ला खान, सुभाष चंद्र बोस, जाने कितने ऐसे। देश बहुत बड़ा है, 1 अरब 40 करोड़ लोगों का देश है, पूरे देश में आप तो 22-25 ही बोल रहे हैं, हर दिन हर घर हर चौक और चौराहे पर होगा आंदोलन, ये कोई छोटा देश नहीं है, और तमाम संगठन, अलग अलग संगठन, जो लोग भी असंतुष्ट हैं सब कर रहे हैं, सब करें। मैं तो चाहता हूं, अभी तो दो ही की बात बता रहे हैं, पूरे देश में संगठन हो, 140 करोड़ लोग जो है अपने घर के बाहर ईवीएम बैन करो की पर्ची लेकर खड़े हो जाए। यही बात मैं भी कह रहा हूं कि सब लोग करें। सुप्रीम कोर्ट के वकील उस दिन रहेंगे, महमूद प्राचा भी 22 को रहेंगे, वामन मिश्राम लगातार ईवीएम के खिलाफ लड़ाई छेड़े हुए हैं, वामन मिश्राम भी रहेंगे, पूरे संगठन के साथ रहेंगे, पूरे देश से आएगा, और हमारा जो संगठन है परिसंघ, संगठन परिसंघ भी पूरी ताकत मुस्तैदी से रहेगा। इसके अलावा तमाम राजनीतिक दल, ये लगता है कि जो अलग अलग जगह पर भी जो लोग अलग अलग संगठन के लोग भी काम करें, हमारे यहाँ आप देखिए लिखा हुआ ईवीएम हटाओ मोर्चा आयोजक में, तो जो भी ईवीएम हटाने की बात करता आए हमारे साथ ना, राजेंद्र पाल गौतम जी भी हमारे साथ हैं, हमने तमाम लोगों के लिए खुला रखा है कि इस आंदोलन का सब हिस्सा बने। इसका जवाब तो कांग्रेस और भाजपा देगी, उसका हम ईवीएम पर जुड़े सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं। 22 तारीख को आंदोलन है, 22 तारीख को बड़ा आंदोलन, 22 तारीख बिल्कुल जाएंगे, 22 तारीख 22 फरवरी को सुबह 10 बजे जंतर मंतर पर बड़ा आंदोलन है, 22-25 के बाद और आंदोलन होंगे, 25 के बाद भी करेंगे, अगले महीने भी करेंगे, करते रहेंगे हम लोग अपना दम लगाकर। नहीं, जिनको आना है आए, जिनको लगता है कि भी हम हटना जरूरी आए, उनको हम बुला रहे हैं, अपना डंडा, अपना झंडा, अपना बैनर लेकर आइए, और हमारा तो मोर्चा संयुक्त मोर्चा, ईवीएम हटाओ मोर्चा, कोई भी आ जाओ, जिसको लगता है ईवीएम हटना चाहिए आ जाए ईवीएम हटाने के लिए। हम लोग तो लड़ाई लड़ रहे हैं ना, हम लोग चुनाव आयोग तो है नहीं, न सरकार में है, हम प्रेशर ग्रुप के तरह काम कर सकते हैं, हम जनता की आवाज बन सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट क्यों जा रहे हैं आप? बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट कौन नहीं जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब 15 मार्च को सुनवाई होगी, तो सुप्रीम कोर्ट की भी तो भूमिका उसी तरह की है, मतलब जब जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा उसके बाद सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी,
तो सब तमाम संवैधानिक संस्थाओं को जिस तरह से एजेंसियों को गुलाम बनाया गया है, सरकार मैनुपुलेट कर रही है, न किसी से छुपा हुआ नहीं है।